Hello dear students, this is Vicky Prasad. So today we will discuss the introductions of dual nature of matter and radiations. I repeat, light का एक और behavior, अभी हमने ray wave behavior समझा था, wave behavior समझा था, अब हम dual nature समझेंगे. Light के पास दो दो behavior, सर ये क्या है? दो दो behavior, ये क्या? दो दो behavior, कौन कौन से behavior है? तो unit number second हम समझेंगे, unit number seven में जो हमारे पास है, वो light के dual nature को समझाने की कोशिश किया है. Dual nature of, I repeat, dual nature of matter and radiations. इसको दो चैप्टर में कैटराइज किया जाता है. बेसिकली अगर हम चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करें तो इसके पास दो चैप्टर्स हैं. अगर हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से अगर हम चैप्टर वाइज इसको पढ़ते हैं तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड में इसका नाम दूंगा. और चैप्टर फर्स्ट में मैं रखूंगा पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ, फिर से देखना इसको ठीक से, पार्टिकल नेचर, स्पेलिंग गलत कर दिया कोई बात नहीं, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. यानी कि रेडिएशन का मतलब बेटा यहाँ पर किस चीज से है? तो यहाँ रेडिएशन का मतलब लाइट से है. तो लाइट के पार्टिकल नेचर, फिर से कौन सा नेचर? अरे सर फिर से दिखाओ यार, कुछ ये पार्टिकल नेचर को समझनी है. दूसरा, दूसरे नेचर को समझाने के लिए कौन सा नेचर? डुअल नेचर की बात हो रही थी. डुअल मतलब टू, डबल. डुअल नेचर में दूसरा नेचर हम समझेंगे वेव नेचर. I repeat, wave nature of matter. अच्छा सर इसका मतलब matter wave होता है? Yes, matter wave होता है, सही बोल रहे हो. तो हम दूसरा टॉपिक समझेंगे matter wave of, wave nature of matter. तो wave nature हम समझेंगे, ये हमारे पास चैप्टर के हिसाब से हम कैटराइज करते हैं. अच्छा अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, बच्चे इसमें काफी परेशान रहते हैं कि सर इससे पता नहीं चलता क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं. तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनाए गए हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, जो आपको मालूम होने चाहिए. जैसे पहला टॉपिक अगर हम आपको समझे तो इसमें हमें समझनी होगी इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में. क्या समझनी होगी बेटा इसमें? इलेक्ट्रॉन एमिशन. किसके बारे में समझनी होगी? इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में समझनी होगी. दूसरा हमें समझनी होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सर ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नाम तो बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा. फोटो का मतलब खींच मेरे फोटो वाला नहीं है, ये फोटो का मतलब लाइट से है. इस फोटो का मतलब किससे है? लाइट से है. और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, कुछ हम ग्राफ समझेंगे इसके बारे में. उसके अलावा हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन के बारे में समझेंगे. लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन, कुछ लॉज बनाए गए हैं इसके लिए, उस लॉज के बारे में हमें समझनी है. आई रिपीट, फिर से यहां देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन. क्या समझेंगे? लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन. अच्छा इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे. आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक अमिशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए. सीबीएसई में इसके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ये टॉपिक आपके काम का है. फिर से समझा? आया समझ में? पक्का नहीं समझाया तो पूछ लेना. इसके बारे में कुछ इसके इंपॉर्टेंट ग्राफ, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ इसमें बताई जाएगी, 5 to 6 ग्राफ होते हैं और इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं. दूसरा पार्टिकल नेचर ऑफ हमें समझनी होगी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. बेटा आप कंटेंट को इस तरीके से पढ़ो आपको काफी हेल्पफुल करेगा ये आपको. अच्छा इसमें हमें पार्टिकल, उसके बाद हमें वेव थियरी के बारे में समझ, इसके बारे में समझनी होगी वेव थियरी. और वेव थियरी और साथ में वेव थियरी एंड फेलियर ऑफ वेव थियरी. वेव थियरी के कुछ फेलियर्स हैं, वो क्या क्या फेलियर्स थे उसके बारे में हमें वेव थियरी ऑफ लाइट, फेलियर ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, इसमें दो या तीन रीजन बेसिकली बताए जाते हैं जो हमारे काम के होते हैं, उसके बारे में हमें समझना है. उसके अलावा समझ में आया? उसके अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन
ये डबल नेचर की थियरी, इसमें टी ब्रोगली की थियरी हमें समझनी होती है। टी ब्रोगली ने काफी काम किया है इसके बारे में, हम उसके बारे में समझेंगे इसके बाद। टी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, इसके अलावा हमें समझ में आना चाहिए डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, इसके बारे में हमें समझनी है ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस के बारे में। उसके अलावा डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस समझने के बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ, आई रिपीट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अच्छे से आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ वेव थियरी, वेव नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट, वेव थियरी ऑफ लाइट, आई रिपीट वेव थियरी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर लाइट को ना लेकर के हम इसको क्या लेते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें हमें फोटॉन्स की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर इतनी चीजें नॉलेज में है तो ब्रीफ में लगभग एनसीईआरटी के लगभग सारे कंटेंट को हम इजीली समझ पाएंगे, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी समझ में आती है। सो नाउ वी कैन नोट डाउन एंड देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू, नोट कर जल्दी जल्दी जल्दी।